You're a superhero. हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं हूं ऋतिक शर्मा और आप लोग देख रहे हैं द क्रेजी ऋतिक वाइड चैनल। तो दोस्तों, फाइनली जो हमारे Redmi Note 7 यूजर्स हैं और Redmi Note 7 S यूजर्स हैं दोस्तों, उनके लिए जो है गुड न्यूज़ निकल के आ गई है। जी दोस्तों, उनके लिए जो है न्यू अपडेट जो है रोल आउट स्टार्ट हो गया है, और जिसका हमारा वर्जन है दोस्तों आपके सामने, मैं आपको बता दूँ, वर्जन 11.0.5.0 का इंडियन स्टेबल अपडेट है। जी दोस्तों, ये हमें सभी इंडियन यूजर्स को देखने को मिलता है, और एक ही फुल रोल आउट है और सभी डिवाइसेस के अंदर हमें देखने को ये अपडेट मिल गया होगा। और दोस्तों, अगर आपको नहीं मिला है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जो आपको इंस्टॉल करना है और क्या इसके अंदर दोस्तों चेंजेस है, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, मैंने ले रखा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा एक स्क्रीनशॉट हमारे पास जो आया हुआ है, इसमें दिखा सकते हैं दोस्तों आपको सिस्टम अपडेट जो है इसके अंदर दोस्तों, जो है सिक्योरिटी पैच को दोस्तों जो बढ़ाकर सितंबर का कर दिया गया है 2020 का, और कुछ जो ऐसे अंदर जो है सिक्योरिटी के सिस्टम है उनको जो है इंक्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ हमें 400 के MB के आसपास का अपडेट देखने को मिल जाता है, 431 MB का अपडेट है और स्टेबल अपडेट है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना होगा हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर दोस्तों मैं जो इसकी लिंक दे दूंगा, और दोस्तों वहाँ से जो इसको डाउनलोड कर लेना है आपको। और उसके बाद दोस्तों, ये एक रिकवरी रोम है, देखो दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हो तो मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ये रिकवरी रोम मैंने दे दी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना होगा अपने सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना है, आपको चले जाना होगा हमारे अबाउट फ़ोन के अंदर, और दोस्तों यहाँ पर जो आपको चले जाना होगा अपने डिवाइस के वहाँ पे जो भी अपडेट जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको MIUI 11 का आइकन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है 7 से 8 बार, और फिर दोस्तों जो है 3 डॉट पे जो क्लिक कर लेना है, उसके बाद चूज अपडेट पैकेज, जहाँ पे भी आपने दोस्तों जो है रिकवरी रोम डाउनलोड कर रखा होगा वहाँ पे उसको जो है चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दोस्तों जो आपको जिप फाइल मिल जाएगी, जो भी फाइल होगी आपके पास मिल जाएगी, उसके बाद दोस्तों ओके करके सिलेक्ट करके और जो उसको रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद दोस्तों जो आप अपने फ़ोन में जो अपडेट को देख पाएंगे। तो दोस्तों एंड्रॉयड 10 बेस्ड अपडेट है ये, एंड्रॉयड 10 ही है इसके अंदर अभी तक, अभी को आपको जो है MIUI 12 नहीं मिला है। तो अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि MIUI 12 आपको जो है कब तक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको जो वेट कर लेना होगा अक्टूबर के एंड तक। जी दोस्तों, अभी जो Redmi Note 7 का जो हाल ही में न्यूज़ आया था उसमें बता दिया गया था कि इसको जो है अपडेट को जो सस्पेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों आप वही देखते हैं कब तक जो आने वाला है, टेस्टिंग चल रही है, और शायद से जो है दोस्तों आपको अक्टूबर एंड तक जो मिल जाए इसके अंदर अपडेट, तो तब तक आपको जो वेट कर लेना होगा। तो दोस्तों, आप एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको थीम बताओ यार कैसी लगी, और अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर जो वीडियो जरूर से जो बना दूंगा। और बहुत ही अच्छी थीम है, क्लासिक थीम है यार, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई। और देखिए दोस्तों, डार्क मोड ये भी सपोर्ट कर रही है, तो अभी नाम नहीं बताऊँगा आपको, वीडियो में भी नाम बताऊँगा, तो कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों यही था वीडियो, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलना। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।